हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ टर्म टू क्लास एट मैथ्स का सिलेबस एंड पैटर्न, कि आपके टर्म टू में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, उसमें से किस चैप्टर से आपको कितने नंबर का काम आना है, कितने मार्क्स का काम आना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने मैथ्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जल्दी जल्दी। मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे तो मार्च लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। क्लास एट मैथ्स में आपको पूरा जो टाइम है वो 2 घंटे का मिलेगा। ठीक है, और आपका जो पेपर आएगा वो 40 मार्क्स का आएगा। ये टर्म टू का सिलेबस है। सबसे पहले सारे प्रश्न आपके ज़रूरी होंगे। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक जो है आपके 4-4 नंबर के प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से 11 तक आपके 6-6 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं किस चैप्टर में कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है एक चल वाले रेखीय समीकरण, मीन्स इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2। यहाँ से चैप्टर नंबर 2 से टोटल आपको 6 नंबर का काम आएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, टोटल कितने हो गए 6 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, प्रायोगिक ज्योमेट्री, उसमें आपको सिर्फ एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्शन वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है आंकड़िया द प्रबंध, ये है आपका चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। ठीक है, वहाँ से आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मीन्स टोटल आपको 8 नंबर का ये चैप्टर आना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आपका जो है चैप्टर वो ठोस आकार द चित्रण, तो इसका इंग्लिश में होगा विजुअलिंग सॉलिड शेप। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर होगा 10। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर होगा 10, इसमें से आपका 4 मार्क्स का काम आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर है खित्रमिति, ये है आपका चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें से 11 मेंसुरेशन, उसमें से आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का आएगा, टोटल आपका 8 नंबर का काम आएगा। ठीक है, उसके बाद सीधा आते उल्टा समान अनुपात, ये है आपका चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसमें से आपको टोटल 6 नंबर का काम आएगा। 2 अंक वाले एक क्वेश्चन आएगा और 4 अंक वाले एक क्वेश्चन आएगा, टोटल 6 नंबर का। ठीक है, एंड लास्ट है आपका चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यहाँ से आपको जो है 4 नंबर का काम आएगा, मीन्स एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो टोटल 2 नंबर के जो है आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल ये आपका हो गया, टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 40। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी मैथ्स की तैयारी रखो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी आपके सब्जेक्ट के सिलेबस बताने के लिए। ओके, बाय बाय।